यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्व मंत्री जीएस बाली ने संगठन और विपक्ष के नेता की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। जीएस बाली ने कहा कि पूर्व सरकार के दौरान बेरोजगारी भत्ता दिया गया था, लेकिन बीजेपी ने इसे बंद कर दिया। इसके विरोध में किसी नेता ने बात ही नहीं की और न ही कोई प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस संगठन को बीजेपी के आरएसएस और पन्ना प्रमुख से लड़ाई लड़नी है। बाली ने कहा कि अगर संगठन और विपक्षी नेताओं ने इस मुद्दे को नहीं उठाया तो वो इससे अलग होकर इस जंग के लिए निकल जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि शांता कुमार भी हिमाचल के लोगों के साथ झूठ बोलकर 3 बार सांसद बन गए।